हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। ये देखिए, एक न्यू डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ। स्वेटर का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, किसी भी प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल कर लें। बबल्स वाला ये शंख टाइप में है। ये देखिए, छोटे छोटे शंख से बनते हैं इसमें, बबल्स जैसे। ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से बन जाता है। और इस डिज़ाइन से स्वेटर बनाएंगे तो आपका स्वेटर देखकर लोग देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना सिखाती हूँ। जो भी कोई मेरे चैनल पर नया आया है वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए इसको बनाना सिखाती हूँ। ये 3 के मल्टीपल फंदे लिए जाते हैं इसमें। ये देखिए, इसमें मैंने 3 के मल्टीपल के हिसाब से 12 + 2 फंदे, 3 के मल्टीपल 3 + 3 + 2 फंदे लिए जाते हैं। तो इसमें मैंने 14 फंदे लिए हुए हैं आपको सिखाने के लिए। मैं 14 फंदे से ये डिज़ाइन सिखाऊंगी। देखिए, फर्स्ट सिलाई, फर्स्ट रो हम सीधा बुनेंगे इसको। सीधा सीधा बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये बेस की सिलाइयां हैं इस डिजाइन में। ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा 4 सिलाइयाँ निकाली जाती हैं। ये देखो, सीधी सिलाई मैंने निकाल ली है। उल्टी साइड में सेकंड रो, सेकंड सिलाई उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो, अब थर्ड रो देखिए। थर्ड रो में हम ये सीधी सिलाई निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ सिलाई अब बैक साइड में उल्टी फोर्थ सिलाई है हमारी। तो हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से, उल्टी साइड से हम इस तरह से सीधा सीधा, जैसे सीधा फंदा बनाते हैं वैसे सीधा सीधा बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे हम। इस तरह से सीधा बनाएंगे, इस तरह ऐसे आ जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट फंदा हम इसको उल्टा बुन लेते हैं इस तरह से। अब धागा पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने के बाद ये देखिए, 3 फंदों का ये डिजाइन है। 3 फंदों में हम पहला फंदा है उसके नीचे, यहाँ से नहीं, नीचे वाले से एक लूप बनाएंगे। ये देखिए, ये फंदा है, इसके नीचे से हम एक लूप बनाएंगे। ऐसे एक लूप बनाया। अब इन दोनों फंदों के बीच में यहाँ से एक लूप बनाएंगे, दूसरा लूप। अब तीसरा लूप इस फंदे के नीचे से हम बनाएंगे इस तरह से। और चौथा लूप ये दोनों के बीच में यहाँ पर चौथा लूप बनाएंगे। अब इस फंदे के नीचे से 5वां लूप,
इस तरह से पांच लूप बनाएंगे। पांच लूप बनाने के बाद ये हमारे इस वाली सिलाई में, लेफ्ट वाली सिलाई में हम इन फंदों को इस तरह से डालेंगे। देखिए इस तरह से ये पांच लूप बन जाते हैं। देखो एक दो तीन चार पांच लूप बन जाते हैं। तो इसको इस सिलाई में इस तरह हम डालेंगे। इस तरह डाल के देखिए पांचों फंदों को हम इस सिलाई में लेके और इस तरह से पांचों का हम एक बना देंगे। इस तरह से एक इसमें से निकाल देंगे इस तरह, और ये लूप वाले फंदे हम इनको डाल देंगे। और ये दो फंदे हैं, जैसे ये एक और दो, दो फंदों का हम एक कर देंगे यहाँ पर। इस तरह दो फंदों का एक करेंगे और ये वाला फंदा इस तरह बुन लेंगे। तो ये हमारे तीन फंदे थे और तीन ही फंदे यहाँ पर रह गए। अब आगे भी नेक्स्ट में से करेंगे इसी तरह। ये देखो इस फंदे के नीचे से एक लूप बनाएंगे, इस सेकंड वाले में से ऐसे लूप बनाएंगे, फिर थर्ड लूप बनाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में फोर्थ लूप बनाएंगे और इसमें फिफ्थ लूप बनाएंगे। ये फाइव लूप बना दिए। अब हम इस लूप को इस सिलाई में लेते हुए इस तरह इस सिलाई में लेके इसमें से निकाल देंगे। ये थोड़ा टाइट है फ्रेंड्स, तो पहली सिलाई में थोड़े टाइट हो जाते हैं, फिर बाद में लूज हो जाते हैं। इस तरह से हमने ये यहाँ पर निकाल दिए। अब ये आगे ये दो फंदे हैं, दो फंदों का हम एक फंदा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनकर आएगा। अब देखो फिर से नेक्स्ट में हम करेंगे, इसके नीचे से एक लूप बनाएंगे, फिर ये दोनों के बीच में से एक लूप बनाएंगे, फिर इसमें से सेकंड वाले फंदे में से लूप बनाएंगे, फिर थर्ड वाले में से, ये देखो थर्ड और सेकंड के बीच में है जो, उसमें से लूप बनाएंगे, फिर थर्ड वाले में से। इस तरह से हमको पांच लूप बनाने हैं। देखो एक दो तीन चार पांच लूप बन गए। अब ये लेफ्ट वाली सिलाई में डाल के इसको हम इस तरह बुन लेंगे। इस तरह बुन के अब ये दो फंदे हैं, इनको हम दो फंदे का एक कर देंगे और ये लास्ट वाला फंदा ऐसे बुन देंगे। तो हमारे ये तीन के तीन फंदे हो जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट में हम यही प्रोसेस करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह बार बार करेंगे। ये देखिए अब इसमें इन फंदों को इसमें कर लेंगे इस तरह से। अब ये दो फंदों का हम एक फंदा कर देंगे और लास्ट का फंदा ये बुन लेंगे, और स्टिचेस वाला भी सीधा बुन लेंगे। इस तरह से बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये डिजाइन हमारा बनेगा। अब ये देखिए फिफ्थ सिलाई हमारी ये उल्टी साइड से यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाएंगे, पूरा एक एक फंदा बनते हुए ले जाएंगे। इस तरह से इसके बाद भी फिर हम चार सिलाइयां उसी तरह उल्टी सीधी निकालेंगे।
इसके बाद भी हम चार सिलाइयां, जैसे मैंने नीचे बताया था पहले, चार सिलाइयां उल्टा सीधा निकाल के एक उल्टी सिलाई निकाल के फिर ये डिजाइन डालेंगे। तो बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न इस तरह से बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।